भारत में हमको मोदी जी, पाकिस्तान में मोदी जी चाहिए, फिर अपने देश के लोग कैसे मोदी जी को इग्नोर करेंगे। सिलेंडर इतना महंगा है, खाने को पैसा नहीं है, आदमी सिर्फ हिंदू मुस्लिम में लड़ रहा है। जो सही हो, हित का काम करे, बदले की भावना से राजनीति नहीं होती है, क्योंकि समय आता है जाता है, जैसा करेंगे वैसा ही होगा। तो जब केंद्र की योजनाएं हैं, आयुष्मान योजना, तो दिल्ली की जनता को वंचित क्यों रख रहे थे? बड़ी हमारे लिए शर्म की क्या बात है, एक बीमार को मतलब कोई थाना इंचार्ज, कोई मंत्री, कोई सांसद फोन करेगा? भाई बीमार है तो डॉक्टर का फर्ज है, लेकिन वो भी मजबूर हैं। तो हमारी फैमिली में जो व्यक्ति की हत्या हुई, तो हम उसको खुद अभी तक झेल रहे हैं और हम अभी तक मांग कर रहे हैं उन मिश्रा के घर पे कब बुलडोजर चलेगा। भाई मैं हूं मेहताब खान और आप देख रहे हैं जस्टिस टीवी इंडिया। आज हम बात करेंगे 2024 चुनाव की मायावती जी के बारे में, जो कि अगर विपक्ष का चेहरा बनती हैं तो क्या मोदी जी के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, सबसे पहले हम नाम पूछेंगे। क्या नाम है सर आपका? विकास रंजन और पप्पू सिंह नाम हुआ। मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हूँ और छत्तीसगढ़ प्रभारी भी हूँ। विकास जी, जैसे मायावती जी अगर विपक्ष का चेहरा बनती हैं तो कुछ ना कुछ दुविधा पैदा कर सकती हैं बीजेपी सरकार के लिए? कोई भी दुविधा कुछ नहीं है, वो सब फालतू की गप है, कहीं कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। जब तक हमारे देश में माननीय मोदी जी हैं, तब तक मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यानी कि आपका कहना है कि 2024 में फिर मोदी जी आ रहे हैं? निश्चित, 100%, 110%। मगर इस बार विपक्ष तो एकजुट है। विपक्ष का काम है एकजुट होना, वो बार बार होता है, बार बार करते हैं, ये संभव नहीं है। ना एकजुट होंगे वो लोग, आज जुट भी होते तो कोई फर्क पड़ने वाले नहीं, जुट तो होगा ही नहीं पहले। और जैसे कि अभी एक मतलब विवाद तूल पकड़ रहा है कि मोदी जी की डिग्री का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी के डिग्री के बारे में क्या बोलना है, मोदी जी का डिग्री का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि जो कि आज विश्व में एक नंबर में उनका नाम आता है, देश तो छोड़ दीजिए। नहीं, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि 1988 में आप उन्होंने डिग्री ली और 1988 में कंप्यूटर भी नहीं आया था, 1991 में आया था, तो फिर डिग्री कहाँ से आई उनके पास? विपक्ष ये आरोप लगा रहा है। ये सब विपक्ष का आरोप लगाना काम है, ये सब फालतू का गप है कि आप कैसे डिग्री लिए, कहाँ से लिए, किनका क्या है, बोलना उनका काम है, ये सब नहीं है। जो निश्चित रूप से जान लीजिए, उनकी जो डिग्री है वो सही है और निश्चित रूप से उनकी डिग्री योग्यता योग्य जो होना चाहिए, योग पुरुष हैं इसलिए उनकी डिग्री है। और बोलिए। चलिए, इनके हमने विचार सुने, अब हम बात करेंगे और साथी हैं उन क्या, अब सबसे पहले उनका नाम पूछेंगे। क्या नाम है सर आपका? बच्चा प्रसाद। सर, क्या लगता है आपको जो सर ने बात कही वो सही होगी या? एकदम 100% सही बोलेगी, मैं कहीं कोई गलत नहीं बोले हूँ। मोदी जी आ रहे 2024 का प्रधानमंत्री जो बनने जा रहा है, इसलिए कि विपक्ष के लोग जो है ना, अपने में सही है लोग, अपने में कोई सही है कि हम कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे? नहीं, विपक्ष तो आज की डेट में देखा जाए वो तो बिल्कुल एकदम झूठ है। विपक्ष खुद अपने आप सही नहीं है, सब अपने अपने रास्ते पे हैं, चुनाव वाले तो सब बिखर जाएंगे। कि आपका कहना है कि विपक्ष में कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं, कोई दमे नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, सब खत्म हो जाएंगे। और एक और हमारे साथ में है, हमें सबसे पहले नाम पूछूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ दिनेश पासवान, मैं दलित सेना का प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब दलित लाइक करेंगे मोदी जी को क्या? एकदम लाइक करेंगे। आज मोदी जी जो देश को नेतृत्व दिए और जो विकास का एजेंडा लेके चले हैं, लोगों को दिख रहा है। आज गांव देहात का इतना बुरा हालत था, जहाँ सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, लेकिन आज घर घर मोदी जी की वजह से घर घर बिजली गया है, घर घर गली गली सड़कें बन गई है। दूसरा कि आज जो स्थिति था, लोगों के पास घर नहीं था रहने के लिए, पक्का मकान मिला उनको, LPG गैस मिल गया, उसके बाद और जो मूलभूत सुविधा होता है गरीब गुरुआ के लिए, जो केंद्र गवर्नमेंट तो भेजता था लेकिन उन लोगों तक पहुँच नहीं पाता था, करप्शन पर बहुत बड़ा चोट किए मोदी जी, और जनता आज देख रही है। और इसीलिए मोदी जी को हर जगह लोग, अपने ही देश नहीं, पाकिस्तान में लोग कह रहा है कि हाँ हमको भारत में हमको मोदी जी, पाकिस्तान में मोदी जी चाहिए, फिर अपने देश के लोग कैसे मोदी जी को इग्नोर करेंगे? नहीं,
मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि विपक्ष कहता है दलित का इस्तेमाल करते हैं, वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, दलित को उत्पीड़न किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वोट सबका साथ सबका विकास सही में है या ये खाली ये जुमला है? देखिए, दलित के नाम पर लोगों को केवल छला गया, ठीक है, दलित के नाम पर लोगों को केवल छला गया, उनका वोट को वोट का मोहरा बनाया गया, वोट लिया गया, उनको फिर उसी स्थिति में छोड़ दिया गया। अगर उनके प्रति किसी ने सही चिंतन किया है तो वो मोदी जी हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, संविधान का जो रचयिता थे, ठीक है, नारी सशक्तिकरण के लिए वो अधिनियम लेके आना चाह रहे थे, कानून मंत्री थे, लेकिन पार्लियामेंट हाउस में उस कानून को पास नहीं होने दिया। आहत होके अम्बेडकर साहब ने इस्तीफा दिया कानून मंत्री से, और पार्लियामेंट में उनका एक तस्वीर तक नहीं था। इससे दुख की बड़ा आज लोग जो है ये मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ, माफ़ कीजिएगा, ये जो पासवान जी की अभी हत्या हुई थी, राकेश पासवान जी की, जी। तो उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में अभी स्थिति बहुत बुरा है, बिहारी ने हमारा बगल में झारखंड भी है, झारखंड में गठबंधन की सरकार है, उपयोग गवर्नमेंट का, केवल लूट मचा हुआ वहाँ पे, लोहा चोरी, कोयला चोरी, डीजल चोरी, ये कई प्रकार की चोरियाँ जारी है। अभी मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक रोड हमारे यहाँ पास हो रहा था जिसकी चौड़ीकरण होना था, उसको विश्व बैंक द्वारा संपोषित राशि जो है 7,15,555 रुपया उन गरीब गुरुओं के लिए आया था जो फुटपाथ पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे अथॉरिटी जो है ये रुपया जो है वहाँ का भू संपदा पदाधिकारी को दिए, लेकिन मात्र 15,000 से 20,000 बांट के 7 लाख का बंदर बांट हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और मेरे साथ में कुछ और भी लोग हैं, मैं सबसे पहले उनका नाम पूछना चाहूँगा। सर, क्या नाम है आपका? मिस्टर कुरैशी जी। कुरैशी साहब, जैसे 2000 चुनाव काफ़ी करीब है, तो क्या लगता है आपको, बदलाव होगा या मोदी सरकार आ रही है? यहाँ पे इतने सब बड़े नेता की मैं वाइट सुन रहा था, मैं भी भाजपा में हूँ, लेकिन कोई सच नहीं बोलता है। सबसे बड़ी बात ये दूसरा कार्यकाल मोदी जी का है, प्रधानमंत्री जी का, आप ये देख लिए देश किस स्थिति में जा रहा है, सारा देश जो है प्राइवेट कर दिया है। आप मतलब आप भाजपा से हैं और आप आरोप लगा रहे हैं अपनी पार्टी पर? सच बोलना चाहिए। मैं आपसे कहूँ, मोदी जी सबकी पसंद हैं, मेरी भी हैं, लेकिन बड़े नेता अपनी बात नहीं कह पाते, जो आम आदमी नौजवान हैं अपनी बात नहीं कहता, घबराता है, डरता है। तो नेताओं की, बड़े नेताओं की बात छोड़ दीजिए, जो आवाज़ उठाता है उसके साथ क्या होता है आप सबको पता है। मैं आपसे सच्चाई बता देता हूँ, अलग अलग स्टेट में, जैसे ये बिहार का और बंगाल का दिखा रहे हैं, न्यूज़ चैनल सारी बिक चुकी हैं, न्यूज़ चैनल में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, जो सच दिखाते थे लोग वो अब नहीं दिखाते हैं, टीआरपी तुरंत जो सच दिखाता है गिरा दी जाती है, उसको मना कर दिया जाता है। बस मेरा इतनी सी रिक्वेस्ट है, सिफारिश है, अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, एक वज़ीर आला हैं आप देश के, तो सारी जनता को आपको एक समान लेके चलना चाहिए, सारी योजना सबके लिए होना चाहिए, नौजवानों के लिए नौकरी होना चाहिए, जो गरीब हैं उनके लिए स्कीम निकालना चाहिए। और मुझे लगता है 10 साल हो गए हैं, अभी मैं सुन रहा था आप उत्तर प्रदेश लेके दिल्ली में और दिल्ली के बाहर रोड तो छोड़िए, सिलेंडर इतना महंगा है, खाने को पैसा नहीं है, आदमी सिर्फ हिंदू मुस्लिम में लड़ रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर का नाम ख़त्म हो चुका है, न्यायालय हमें लग रहा है सो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर तो इतना बेहतरीन है कि माफियाओं को ख़त्म किया जा रहा है, हाथ के हाथ उनके इनकाउंटर हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। हमारा जो न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिसे कहते हैं भगवान होते हैं, आप सजा दीजिए, फांसी पे चढ़ाइए, ये नहीं आप किसी को गोली से मार दीजिए या आप उसके बाद अटैक कर दीजिए, क्योंकि कानून व्यवस्था सबके लिए है, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होता है, आप सजा दीजिए, जो न्यायालय का फैसला हो। बहुत दुख की घड़ी है इस समय, क्योंकि रमज़ान शरीफ का समय है, सब एक समान है, ये हमारा भारत है, भारत में
सब लोकप्रिय रहते हैं और एक मोहब्बत है, अमन चैन रहना चाहिए, सच्चाई बोलना चाहिए लोगों को। ये झूठी झूठी बातें करके अपना रिजल्ट चढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं नेता बनने के लिए। पहले की राजनीति कुछ और थी, अब की राजनीति कुछ और। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा आप सभी से, हाथ जोड़ के माननीय मंत्री जी से और मोदी जी से, अमित शाह जी से, उत्तर प्रदेश के योगी जी से, जो सही हो, हित का काम करे। बदले की भावना से राजनीति नहीं होती है, क्योंकि समय आता है जाता है, जैसा करेंगे वैसा ही होगा। मैं इतना ही है मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कुरैशी साहब, आपने अपने कुछ सवाल रखे। अब हमारे साथ में एक और शख्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले नाम पूछेंगे, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मिस्टर मनीष गाड़ी के अम्बेडकर मिशन का राष्ट्रीय महासचिव। तो जैसे मनीष जी 2024 काफ़ी करीब है, तो अगर मायावती जी विपक्ष का चेहरा बनती हैं तो कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए खतरे की घंटी दिखाई दे रही है, या आपको फिर मोदी सरकार आती हुई दिखाई दे रही है? देखो, मायावती फिर दोबारा अगर विपक्ष का चेहरा इस तरह बनती हैं इस इलेक्शन में, तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर माननीय मोदी जी को विजय कराएंगी वो खुद। ठीक है, ये फिक्स डील है, गेम है बहुत बड़ी। आज देश के अंदर बड़ा स्तर का जो मामला है वो महंगाई का है, बेरोजगारी का है, प्राइवेटाइजेशन का है। आज बच्चों की एजुकेशन आप देख रहे हैं किस तरह से घट चुकी है, लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। आज हेल्थ सेक्टर हमारा एक आम जनमानस के लिए क्या चीज़ चाहिए? जब आप जिंदा रहोगे तभी तो कुछ काम करोगे ना, तो हम जिंदा ही नहीं रह पा रहे। आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, वहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। चाहे आप कार्डियो की बात करो मेरे से, चाहे आप न्यूरो की बात करो, चाहे मेरे से आप ऑर्थो की बात करो, चाहे मेरे से आप कैंसर के मामले में बात करो। तो आज बड़े स्तर पे हम 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, लेकिन पता नहीं बातों में जी रहे हैं या वर्तमान में जी रहे हैं। तो ये आपको मैं नहीं बोल रहा, आपको जब आप सर्वे करेंगे पूरे भारत के अस्पतालों में, जिले में चाहे राज्य में सरकार किसी की भी हो, मैं बोल रहा हूँ चाहे उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली के अंदर एम्स, माननीय मोदी जी के घर से 3 किलोमीटर दूर एम्स अस्पताल है। आप वहाँ की हालत देखिए। मैं बराबर निरंतर पिछले 6 महीने से आयुष्मान योजना के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। आज वो 1.5 महीने में अब मेरे ख्याल से लागू दिल्ली की जनता को करी है। तो जब केंद्र की योजनाएं हैं आयुष्मान योजना, तो दिल्ली की जनता को वंचित क्यों रख रहे थे? मैं माननीय मोदी जी को थैंक्स इसलिए बोलता हूँ, चलो उन्होंने हमारी बात को सुना या किसी की बात को भी सुना, उस चीज़ को लागू करा दिल्ली की जनता के लिए। लेकिन साथ साथ में वो स्कीम लागू करने के साथ साथ में सवाल यहाँ खड़ा है कि हमारी जो ओपीडी स्केल है, यानी डॉक्टर का जो ओपीडी सिस्टम है वहाँ पे एम्स के अंदर में, वो बड़े स्तर पे बहुत बुरी दशा के अंदर में है। उसको मैं इसलिए बताना चाहता हूँ विस्तार से कि आप कभी जाके देखिए, मैं भी आपसे बोलूँगा, आपके कैमरामैन से ही बोलूँगा और पत्रकार महोदय आपसे ही बोलूँगा, देखिए हमारे दिल्ली शहर के अंदर में, देश की राजधानी दिल्ली, और एम्स इतना बड़ा संस्थान है। और मैं आपको, और हमारे यहाँ पे डॉक्टर सबसे बड़ी बात ये, जैसे भाई साहब ने कहा, हॉस्पिटल में सबसे बड़ी कमी क्या है, आपने किसी ने नोटिस नहीं करी होगी, बेड की कमी और डॉक्टरों की कमी भर्ती की। जब दिन रात वही डॉक्टर काम करेंगे तो जाहिर की बात है मरीज को बेड मिलना नहीं हो, कितनी शर्म की बात है ये। कोई मरीज अगर जाता है तो सिफारिश करता, फोन विधायक मंत्री से मिलवा रहा है, इससे बड़ी हमारे लिए शर्म की क्या बात है। एक बीमार को मतलब कोई थाना इंचार्ज, कोई मंत्री, कोई सांसद फोन करेगा? भाई बीमार है तो डॉक्टर का फर्ज है, लेकिन वो भी मजबूर हैं। जब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में ढिलाई है, कमी है, स्वास्थ्य है। अरे आपका कहना लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है, मैं आपको बता दूं श्रीमान जी, अभी गोरखपुर में एक हत्या हुई थी अविनाश कनौजिया की, मैं स्वयं वहाँ खुद गया न्याय मांगने के लिए। 17 आदमी आइडेंटिफाई करे थे, 7 लोग मुख्य आरोपी बनाए थे। उन आदमियों के आज तक किसी आदमी को फांसी नहीं हुई, और आज तक किसी आदमी के घर बुलडोजर नहीं चला। तो जब वो भी तो हमारे हिंदू समाज का लड़का था, बच्चा था, क्यों नहीं चला भाई उसके घर में बुलडोजर? उस बच्चे को, हमारे हिंदू समाज के बच्चे को जो जिस क्रिमिनल लोगों ने मार दिया, तो मिश्रा घर पर अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? उसके घर बुलडोजर चलना चाहिए। दूसरी बात, जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए सरकार के अंदर। यानी कि आपका ये कहना है कहीं ना कहीं जात को देखकर टारगेट किया जा रहा है? होता है ना भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, मैं 1 साल से खुद मैं न्याय मांग रहा हूँ योगी आदित्यनाथ के, खुद गोरखपुर में मैं खुद गया था, और आज तक उन आदमी घर पर बुलडोजर नहीं चला। एक दो हस्बैंड वाइफ अपना इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, सुख शांति से जी रहे होते हैं मेरे जीवन में, और सेक्रेटरी लेवल पर वो पोस्ट उनकी बड़ी पोस्ट पर काम कर रहे होते हैं। सोचो आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की दर्दनाक हत्या कर दें, तो उसने कितना बड़ा अपराध करा जिस व्यक्ति ने इसका मर्डर करा हमारे भाई का, और आज तक हम न्याय मांग रहे हैं, न्याय मिला नहीं हमारे को, वो जेल चले गए, उनके घर पे आज तक बुलडोजर नहीं चला, कब चलाओगे? तो मेरा ये सवाल है, जब हमने माननीय मोदी जी को चुन के भेजा,
मैं खुद माननीय मोदी जी को लाइक भी करता हूँ, सपोर्ट भी करता हूँ, लेकिन लेकिन आज मुझे लग रहा है कि पक्षपात होता है। मैं बड़ा दुख के साथ बोल रहा हूँ आज, क्योंकि पक्षपात मैंने इसकी स्टडी करी है, पक्षपात होता क्या है आखिर। जब आप रेशियो निकालते हैं ना पक्षपात का, आप खुद स्टडी करने निकलोगे जिलों में, गाँव में, ग्रामीण में, प्रदेशों में निकलोगे और सब उस रेशियो को मिलाओगे तो आपको खुद अंतर समझ में आ जाएगा पक्षपात होता है सरकारों के अंदर में। मेरे खुद हमारी फैमिली में जो व्यक्ति की हत्या हुई तो हम उसको खुद अभी तक झेल रहे हैं और हम अभी तक मांग कर रहे हैं उन मिश्रा के घर पे कब बुलडोज चलेगा भाई, कब चलेगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और ऐसे कितनी हत्या हमारे दलित समाज भाई बंधु की आए दिन होती हैं, कभी उनको न्याय नहीं मिलता, आए दिन आप देखते हो। और पुलिस प्रशासन की बात करूँ, उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत थाने हैं जहाँ पर आज भी पुलिस PCR जो होती है गाड़ी, वो अवेलेबल नहीं है। और बताओ, दुर्भाग्यपूर्ण बात है बहुत बड़ी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमने सबसे अलग बात की मगर सबकी अलग अलग राय थी। 2024 के बारे में भी बात की, मायावती जी के चेहरे पे भी बात की और सभी के अपने अपने मुद्दे थे। कैमरामैन विकास के साथ मैं मेहताब खान, जस्टिस टीवी इंडिया। इसी तरह की मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।